ये खाने के बाद ऐसा नशा में सोएगी और खाने वाला भी 50 पैसे का सही रिव्यू दूंगा। वो कुछ नहीं बोल रही है लड़की तेरे को। स्पॉन्सर दिस ट्रेंड। Hey guys, I'm Bros. Welcome back to another video. आज हम लोग है ट्रेन में, जैसे आप देख सकते हो। नहीं नहीं क्या? नहीं नहीं, ये तो जहाज है जिसमें हम लोग पानी के नीचे से जा रहे हैं और हमारे साथ ये रहा गोरा गोरा चिट्टा चिट्टा सिंजू। सो अभी वापस जा रहे हैं आगरा में, शादी वादी मना लिए। मतलब रिलेटिव का शादी था, हो गया सब कुछ खत्म। अब सो सोचा जाते जाते कुछ हो जाए खाना पीना, तो हम क्या कर रहे हैं पहले, उससे पहले लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब। बट लोग क्यों करेंगे पहले बताओ, क्या करेंगे तो बताओ क्या करेंगे। टॉपिक क्या है? 24 आवर्स इन ट्रेन ईटिंग फूड। सीख गई। आज हम लोग ट्राई करेंगे रेलवे का पैंट्री फूड फॉर 24 आवर्स। अब कैसा होता है? ट्रेन का डिटेल्स दे दो। ट्रेन है कालका नेताजी एक्सप्रेस, कालका टू हावड़ा। हम लोग कुंडला से इन्फॉर्मेशन IRCTC स्पॉन्सरशिप देता है। क्या मत कर दिया? खाना तो बहुत अच्छा। मेरे को नहीं दिया अभी तक, मेरे को नहीं दिया अभी तक। जहर काटी। वैसे मेरे को नहीं दिया अभी तक, मेरा मिलियंस में व्यू गया फिर भी नहीं गया। हमें देंगे, हमें मिलेगा। हमारा देखो साइड प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल, बैक प्रोफाइल सब है, जो बोलेंगे कर देंगे। तो यहाँ हम लोग ने मंगाया सबके लिए नाश्ता में। अभी 10 बज रहा है, सो यहाँ पे ब्रेड और ऑमलेट में 2 पीस ब्रेड तिखा हुआ नहीं है, ऑमलेट अंडा ऑमलेट और एक तो ये केचप और वैसे प्राची रिव्यू करेगी क्योंकि मैं अंडर ब्रेड नहीं खाता। फ्रेम से हटाओ इसको। ये हम लोग कर लेंगे अंडा को ब्रेड के अंदर एडजस्ट। अरे वाह वाह वाह, अरे ये तो बताया नहीं था, IRCTC के रूल में ही नहीं ऐसे खाने का। मैं ट्राई करूंगा फिर थाली, फिर मिष्टी दो आएगा, समोसा आएगा, चाउमीन आएगा, चाउमीन आएगा। अब हम डालेंगे इसमें लाल लाल सॉस। मैं ज्यादा नहीं डालती, सूखना ना, सूखा है ना तो गीला बन जाएगा। हावड़ा ही जा रहे, बंगाली तो निकलते ही रहेगा। और हम खाएंगे अब ऑमलेट एंड ब्रेड। इतना स्लो रिव्यू करती है ये, मैं तो पहले खा लो। बहुत सूखा है इसलिए चबाने में टाइम लगेगा, मेरे साथ होता ही है। 2 मिनट बाद आती हूँ ब्रेक के बाद। एक बात बोलूँ सच में, अगर ऑमलेट ब्रेड खाना है तो गरम गरम ही अच्छा लगता है, ऐसा ठंडा चुई चुई हो जाता है। अंडा ब्रेड सिर्फ गरम ही अच्छा लगता है, और नॉर्मल अंडा ब्रेड इसमें सिर्फ प्याज दिया है, नमक और अंडा। सिर्फ नहीं, ये 10 out of 10 है क्योंकि नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं सही रिव्यू दूंगी। सही रिव्यू देगी, सही बताओ क्या है। हम दे देंगे स्पॉन्सर, आ जाइए। कैसा है, कैसा है, कहाँ देगा स्पॉन्सर, किसको देगा? सपनों में जो भी हो, ठंडा अच्छा नहीं, गर्म होता तो बहुत टेस्टी होता। ठंडा नहीं है। 50 रुपए का कितना? तो 4 दूंगी मैं। 10 out of 4 50 रुपए प्राइस है। ऑमलेट बनाया अच्छा, पर गरम ठंडा है, गरम। वो गलती उन लोग का है कि आपका, आप लेट आए। मैंने तो गरम ही बनाया था। ट्रेन लेट आया, 9:50 का था, 10:05, 10:10 पे आया। फिश थाली है, रियली ओके, गो फॉर इट। चिकन नहीं मिलता है, गो फॉर इट। गो फॉर इट, सब एक एक गो फॉर इट। क्या खा रहे हो ये बोलो? अरे हम लोग को तो बड़ा पावरूटी दी बाबा। अब ऐसे स्पॉन्सरशिप में अच्छा है नहीं, इसीलिए लोग। पिताजी को तुमने छोटा पावरूटी दिया, मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। पिताजी भी लाइक ए धरंदो। ओ ये चाय, बिट्टू चाय नहीं पीता है। ये चाय 10 rupees में अदरक और इलायची दे रहा है, और हम लोग जब आए थे पापा मम्मी और हम लोग 20 rupees का इलायची लेकर पीना पड़ा था। व्हाट इज दिस? आई विल स्पॉन्सर दिस ट्रिप। स्पॉन्सर या सू दिस ट्रिप? नहीं, यू विल स्पॉन्सर द ट्रिप और सू द ट्रिप। स्पॉन्सर मतलब तुम पैसा देगी, मतलब उसको ट्रेन को मैं दूंगी। अब बिट्टू तेरी छोटू क्या है, कहाँ से लेके आया है, कौन सा स्कूल से पढ़ाया है? छोटू तो छोड़ दे आगरा भाई, मैं चाय पी या चाय का है मेरा, छोड़ू चाय दो, चाय दो। छोटू पापा आपके सामने बोल रहा है, बहन छोटू कैसे पिए? बहन तो छोटू ही है। पहले ये बताओ 10 रुपए वाला चाय कैसा था? कौन कौन? मेरे को अच्छा लगा, गरम पानी है, गरम पानी ये वाला अच्छा होता है, ये 20 वाला है, तो पैकेट वाला मसाला मिला के पानी डालते हैं। नहीं तो 20 वाला ही पीने वाला ही क्या, अदरक का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है भाई। सिंह मुंडा है, बट सिंह मुंडा को पैसा नहीं आता। सिंह मुंडा अब आएगा, अब आएगा। सिंह मुंडा को एक भी पैसा नहीं आता है। अभी तो सिल्वर बटन नहीं मिला, कुछ कर लिया 24 आवर कर लिया, छोटू को ले लिया। सिल्वर क्या, डायमंड भी मिल जाएगा, गोल्ड डायमंड सब। मेरे को तो प्राची को देख के गमछा ही आ रहा था। छोटू केबल मार। तो IRCTC ध्यान से वाला देखिए, हम लोग प्रमोशन कैसे करते। अब ये आप देख सकते हो
ट्रेन में खाना वाना पेंट्री एंट्री सब है, बट यहाँ ये है IRCTC का कनेक्ट। तुम इतना क्यों कर रहे हो, प्रमोशन का एक पैसा नहीं मिलने वाला, एडसेंस से भी पैसा नहीं मिलेगा। ये करूंगा उसके बाद वो बोलेंगे आपने तो कर ही दिया, आप पैसा ले लो बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ से आप लोग अपना PNR वगैरह दे सकते हैं, देने के बाद आपको स्टेशन दिखा देगा कहाँ कहाँ आपका डिलीवरी हो रहा है। जैसे मेरा नेक्स्ट जितना भी डिलीवरी है यहाँ पे दिखा दे रहा है कौन सा स्टेशन में कब कब कितना बजे, और वहाँ पे टाइम भी दिखा देते हैं लास्ट कब तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्रीगेटर से कौन कौन वो करता है, तो मैक्सिमम कितना टाइम में पहले करना पड़ता है? जैसे अभी कानपुर आएगा 2 बजे, तो 12:30 लास्ट टाइमिंग है, तो उस टाइम तक कर दो, थाली रेडी बनता मतलब डेढ़ दो घंटा स्टेशन में से खड़ा, डेढ़ दो घंटा पहले, हाँ डेढ़ दो घंटा ऐसे कुछ। तो यहाँ पे आप लोग बहुत सारा ऑप्शन देख सकते हो, ये जूप वगैरह जो डिलीवरी पार्टनर ऐप है, रेल फूड है जो भी है, फिर स्वीट ट्रूथ है, बेरोज बिरयानी, ओ हो 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 सब कुछ मिलेगा, सब कुछ। डोमिनोज शाम को बनाएंगे डोमिनोज, अरे तेरा फेवरेट ब्रांड। निकल छोटू, चल अभी हम लोग खाना ऑर्डर कर लेते हैं, फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कैसे हो रहा है प्रोसेस। खाने का इंतजार कर रहे हैं क्या? पापा खा रहे हैं चिकन थाली और सिंधु जाए का बॉकी बॉकी। सिंधु जाए का बॉकी में पापा को चिकन थाली कैसा लग रहा है? उतना खास ठंडा हो गया। पौने 1 बजे खाना आया था, 2:30 बजे खाओगे तो ठंडा हो गई। कंटेंट में क्या क्या है? राइस है, दाल है, चिकन है, सैलेड है, आलू का सब्जी है, रोटी है, अचार है। एंड बिट्टू क्या खाएगा? मैं बिरयानी और थोड़ा बहुत जो भी है सब। यहाँ पर हमारे पास फिश थाली और अंडा बिरयानी, ट्रेन का बिरयानी, अंडा बिरयानी मैं मंगाया हूँ। तुम ये कर, अंडा बिरयानी वर्सेस ट्रेन IRCTC का बिरयानी अच्छा है कि बेरोज बिरयानी? सब इसी एक ही कॉन्टेंट में पूरा। कानपुर से भी मेरे को ये भी लेना है, चिप्स लेना है, थम्सअप लेना है, केक और बिरयानी उसका। बाय वन गेट वन फ्री लिखते हैं, और ये है बिरयानी। पर खाने से पहले सिंजू को कौन लेगा? सिंजू आओ चलो। सोकर उठ गई। तो ट्रेन का हमारा खाना आ चुका है, खाना ये तो डेजर्ट से डेजर्ट जितना मिठाई है फिर भी डेजर्ट लाया है। नहीं मतलब पक गया था वो मिठाई खाना चाह रहा था, तो इसमें है पागा लेके कर रहा है पैकेजिंग के अंदर पैकेजिंग तो गजब है। इसमें आपको मिल जाएगा आपके कटलरीज, ये एक गुलाब जामुन और एक ये रायता मिंट का, और इसमें है मेरे को लगा था इतना ही बिरयानी हो, थोड़ा सा जो भी है। ये मेरे को पड़ा 397 और डिलीवरी टाइम पे ही होता है, जैसे आपका स्टेशन पे रुकता है गाड़ी वो बंदा एकदम के सामने भाई आप थोड़ा सा संभल के बेरोज बिरयानी, क्योंकि जब आप ये दे रहे हो गुलाब जामुन तो उसका चाशनी चाशनी आ रहा है। बिरयानी तेरी मीठी हो गई होगी, डिब्बा हुआ है भाई अंदर से, डिब्बा पे तो चाटेगा ना तू। 400 रुपये खुशबू तो बहुत अच्छी है यार, पापा मिस्टेड पापा को रात को खिला देना, लखनऊ जैसा खुशबू। हाँ बहुत टेस्टी खुशबू आ रहा है। बेटू कितना कंजूस है, अपना वीडियो के लिए सिर्फ एक ही मंगाया है, तो कॉस्ट कटिंग पैसा तो नहीं आ रहा ना। हाँ मम्मा हम लोगों को तो नहीं मिल रहा खाने को, बोलो ठीक से। छोटू IRCTC का बिरयानी, और ये हम लोग को पड़ा 100 रुपीज, और वो है 395, और वही 400 रुपए, 3 गुना उस देखते हैं। ये अंडा बिरयानी है, अंडा बिरयानी है ठीक है, और था नहीं। ये मैंगो पिकल मिलता है 50 पैसे का, और ये 50 पैसे का ही एक चम्मच, और पैकेजिंग भी 50 पैसे का, और खाने वाला भी 50 पैसे का। तो हम लोग कह सकते हैं गुड, 2 अंडा दिए क्या? नॉट बैड, 2 अंडा ठीक है, खुशबू नहीं आई, लेकिन खुलते जो बिरयानी की खुशबू थी वो नहीं आई। ये हम लोग पुलाव बोल के हिसाब से ये सही है, 100 रुपए में ट्रेन के हिसाब से ठीक है। अब टेस्ट करके बोल सकते, प्राइस वाइज पहले कौन सा करें, टेस्टी ये है नॉन टेस्टी? ऐसे देखो कैसे पता, खा के पता चलेगा। पहले सस्ता से शुरुआत। काफी स्वाद, सस्ता ही है ये तो, कोई मसाला और भात मोटा भात है, बस कलर ही है इसमें, राइस में कोई टेस्ट नहीं है, नो टेस्ट, खुशबू भी नहीं है। 100 रुपए भी बर्बाद है आई थिंक सो। राजू तो लव्स अंडा, 100 टका दो टीम के लिए, टीम तो 60 टका को रहे, 10 टका जो भी, बट मैं बिरयानी को रेट नहीं, 24 रुपीज का तो अंडा ही मिला है उसको, कितना देगा? नहीं दे सकते, रेट नहीं करने अच्छा होगा, कोई टेस्ट नहीं है। सॉरी हाँ मतलब हल्दी डाल के सिंधु वाला चावल लग रहा है, क्योंकि एक्चुअली 100 रुपीज दे रहे तो कुछ तो माल मसाला मिल सकते हुए 70 का तो बिरयानी मिल जाएगी बाहर, ठीक है इम्प्रूव हो जाएगा, मैं इंस्पेक्टर आ चुका हूँ करना तो पड़ेगा। और बेरोज खुशबू भी बहुत अच्छी है, बेरोज का मसाला दिख रहा है, पूरा हैदराबादी बिरयानी लग रहा है, मसाला चिकन दिया, पीसेस चिकन, चावल कम है, चावल और मतलब क्वांटिटी और कुछ नहीं है, सिर्फ चिकन और ब्रेड, इन दोनों का क्वांटिटी बराबर ही बोल सकते हैं, बट स्वाद
मतलब 7 दिन के बाद में पतला चावल खाए क्योंकि ये आगरा जिले का चावल बहुत मोटा होता है। बाप रे बाप, ये बिरयानी 400 रुपए का है कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन टेस्ट में भाई 10/10 सकता मेरा पॉकेट के लिए ठीक है, पर लोग वो टेस्ट नहीं लेना चाहता, बट 400 रुपए जो देंगे वो टेस्ट एकदम मस्त है। प्रीमियम भी है ना, फ्रेश भी लग रहा है, चिकन वगैरह राइस भी फ्रेश लग रहा है, प्लस कितना सारा खड़ा मसाला भी यूज किया, थोड़ा ज्यादा खड़ा की इलायची दिख रहा है, नहीं ये मिर्ची, थोड़ा ज्यादा राइस दे दीजिए, कंप्लेनिंग नहीं आएगी प्लीज। ये खाने के बाद और ये अंडा भी जो है थाली खा पाऊं। सो देखो ये थाली के संग आता है, ये थाली है, हम लोग ने एक्स्ट्रा राइस लिया था तो 20 रुपए 130 या 120 समथिंग कुछ का, शॉर्ट फिश थाली भी, पराठा मतलब डिफरेंस होगा 140-130 पकड़ ऐसे ही कुछ, तो 100 के ऊपर ही होता है। ये दो पराठा दिया है ठीक है, और इसके संग गदर पैकेजिंग दी है, गदर पैकेजिंग, गदर नहीं गदर, गदर रबर बैंड जो मेरे को एकदम पसंद नहीं। हम लोग जो जोधपुर से टाइम खाए थे गजब था, ये फिश कड़ी दाल सैलेड और ये कोई आलू का सब्जी चावल, पापा में भी सेम था सिर्फ चिकन करी था, काली करी चेंज कर देते, उतना खास नहीं। फिश करी ट्राई कर तो सभी सकता हूँ, लेकिन उस दिन हम लोग जो खाए थे पनीर और था वो जोधपुर वाला मस्त था। हम लोगों को भी बहुत अच्छा खाना मिला था जब हम लोगों ने लिया था, वो 200 समथिंग कुछ था। अब मिलता है इवनिंग स्नैक्स में भी, खा पी के सो जाएंगे मस्त। तेरे को ये नहीं खाना था, वो खाना था, वो ले ली, वो हम लोग का खाना है अभी मध्य का, अभी डेजर्ट बचा कहाँ है। प्राची के पास है, प्राची अपना साइड में छुपा के रखी है। प्राची तुम्हारे साइड में क्या है? साइड में तो कुछ भी नहीं है, कुछ है क्या, कुछ दिख रहा है क्या किसी को? अब खाएंगे भैया स्वीट ट्रूथ, ये वाला है मैंगो, क्या खुशी स्वीट ट्रूथ, खुशी हम लोग का क्या बोलते हैं, यहाँ यहाँ का जिगर का टुकड़ा है। जैसे मेरा केएफसी तेरा बाम हो, मतलब है ये पता है क्या है, मैंगो चीज, मैंगो चीज केक, जस्ट लव इट, बहुत टेस्टी है। जब पहली बार खाया था ना पूरा क्या बोलती है उसको, फूड गैजम हो गया था, फूड गैजम। ये है ब्लूबेरी चीज केक, साइज कम कर देना, छोटा कर दिया। हाँ, देख रहे कैसे टेढ़ा भी खाया इसको, नहीं इसका साइज ठीक है, ये ब्लूबेरी थोड़ा पिक्चर से छोटा लग रहा है, पहले जब खाया था बड़ा जाता था, पहले तो बहुत बड़ा आता था जब। ओ भाई ब्लूबेरी चीज केक कितना अच्छा लग रहा है, चम्मच से नहीं खाना चाहिए, चीज केक तो चम्मच से ही खाते भाई, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा। ओहो इसका जैसा चीज केक वही मैं देख रहा, ये देखो तो बहुत बुरा, तू उसको कुछ नहीं दे रहा खाने के लिए, वो कुछ नहीं बोल रही है लड़की, तेरे को छोटू के लिए जस्टिस होना चाहिए, छोटू टाके खा ले, खा ले पूरा, उसको एकदम मत देना। अभी पीछे लाला 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 चल रहा है, ये ऐसा मुझे तो ऐड नहीं निकला था कि 5 स्टार खाओ और सब भूल जाओ, ये है वो, ये खाओ और सब भूल जाओ। पर ब्लूबेरी तो अच्छा है, बट ये मेरे को कोई नशा बोले ना तो नशा मेरे को इसी का है। देखिए देख अभी ये कटेगा, देख कितना सॉफ्ट, ये बहुत सॉफ्ट है, इसका बेस भी बहुत सॉफ्ट है। इसका प्रॉब्लम पता क्या है, ये खत्म हो जाता है तो खाएगा तो खत्म ही होगा ना, उसके बाद में क्या करूंगा, खत्म हो जाता है। मम्मी क्या खा रही हो? मम्मी अपना मिठाई निकाल, बोले कि मेरा घर का मिठाई जिंदा था, खाऊंगी मिठाई। क्या खा रही हो मम्मी? कलाकंद। अच्छा प्राची गई है झपट, पीछे से गया है ट्रेन, प्राची का खुल गया है ब्रेन, बहुत घटिया शायरी मारती है, अपना वीडियो में मारा करें। प्राची भी सो के उठी, ये खाने के बाद ऐसा नशा में सोएगी कि अब सुबह ही उठेगी, पक्का है। स्पीचलेस बोलती भी कब थी। ओहो इलाहाबाद में इतना देर क्यों रुका हुआ है, क्या मिलता है इधर खाने को? पर इसीलिए तुम उतर नहीं रहे क्या स्टेशन पे, ऐसे झाकर लोग लोग लोग, तुम कुछ खाएगा नहीं नाश्ता, लोग तेरे को क्या लगा खाने का सामान लोग? मैंने सोचा तो था डोमिनोज, फिर मैं सोचा ट्रेन का करेंगे ना डोमिनोज के, समझे मतलब, समझ रहे हो ना, आएगा आएगा अभी आएगा, अगर दांत हो ना मारी दी खेता है और ये दिखे क्या ला रहे हैं, गरम गरम ऑमलेट है, सैंडविचेस है, इलाहाबाद स्टेशन से लेकर आ रहे हैं। कौन सा सैंडविच है ये? कुछ है इसके अंदर वेज है, वेज सैंडविच एंड गरम गरम ऑमलेट है क्या? हाँ देखेगी, पकड़ के देखो, सिर्फ खा के नहीं देखो, अभी नहीं खाना है। ओ भैया बिट्टू भैया आएंगे तो, छोटू बिट्टू भैया के साथ गद्दारी ना कर बे है ना, छोड़ो बिट्टू भैया को, बिट्टू भैया वॉशरूम और वैसे भी बिट्टू भैया सब नहीं खाते, उनको थोड़ा गैस्ट्रिक्स प्रॉब्लम। ब्रेड ये है अंडा जो बहुत गर्म है, इसको पकड़ा नहीं जा सकता, इसको खाया जा सकता है। अच्छा वेरी गुड, अच्छा था आपका टिप्पणी। अरोमा वाओ लाजवाब, और तू देख, हाँ हाँ हाँ
यहाँ का मिर्च में ना बहुत ज्यादा स्पाइसी है बाबा, मुझे उस दिन देखकर लगा कि नहीं स्पाइसी ना, मैं और ये है कोल्ड सैंडविच, सैंडविच चीज का, पर इसमें धोखा दिया पता है। अरे बाबा और क्या मिलेगा इलाहाबाद में बाबा स्टेशन में, यही सब मिलता है ना, ये रहा तो थोड़ा मियोनीज वियोनीज देखा है, ब्रेड के अंदर ब्रेड है, ये क्या है ब्रेड है, ब्रेड के अंदर ब्रेड है, थोड़ा सा मियोनीज और क्यूकम्बर है, बस क्यूकम्बर और थोड़ा क्यूकम्बर ही है। कुका कुका बीच में ठीक है, ये अंडा ऑमलेट डाल ले ब्रेड के अंदर अच्छा लगेगा। चलो सिंपल फूड का भी बात सुनो, बहुत गर्म है, कहाँ घुसाएंगे दीदी। प्राची खा ही नहीं सक रही है, रियल टास्क हो रहा है। ये वो टूट जा रहा है ना, बहुत सॉफ्ट बना दिया सर। बिट्टू को पता चलेगा बाद में एडिट होने के बाद, उसको धोखा दिए। धोखा वो नहीं खाता है, जा धोखा हो गया बिट्टू के साथ। मेरे को पता था पावर सैंडविच ले लिया बिट्टू, और इसने खा भी लिया तेरे बिना। अंडा नहीं खाऊंगा ना। छोटू सही बोली थी, मौत का मंजर दिखने मिल जाएगा उसको, प्रॉब्लम है डाइजेस्ट। अब लाओ क्या खाना है, ऑर्डर करना है। टट्टी सही से हो गया जी बाबा, उल्ट टट्टी सही से हो गया इसका। ये जो यहाँ पे एक पिघला पिघला सा ना, मैं नहीं खाती। ट्रेन में अगर ये नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, अभी तो इतना सुविधा मिल गया था, पहले ये घर का खाना ही जिंदा बात था। ना ट्रेन में खाना मिलता तो बोलो बाबा, वरना ही ऑनलाइन खाना आता था, तब तो घर का ही खाना बचाता था। ये आजकल के बच्चे नखड़े, पुराने जमाने के बूढ़े बूढ़े गरीबों, अगर खाना पीना लेना है तो DDU दीनदयाल उपाध्याय, यही स्टेशन बेस्ट है, क्योंकि हमें आपको फ्रूटी कॉफी ये कुकीज बाबा कितना कुछ मिल गया, गुड डे और चिप्स तो छोड़ो, वो लोकल वाला आकाश ये छोड़ दे, पर तो चाहिए सर। कितना लेट हुआ ये ट्रेन, दो घंटा लेट है। डोमिनोज खाना था, डोमिनोज आया लेकिन ठंडा है, ठंडा सिंजू को मैं वॉक करा लूँ उसके बाद आ रहे, तिजोरी पे रखना ढंग से। अरे बाबा वॉकी वॉकी कर लिया, तुमने भी पेट खाली कर लिया, पेट भरना भी है। लेकिन आता है तो पूरा ठंडा हो गया ऑलरेडी, हम लोग का ट्रेन दो घंटा लेट है और यहाँ पहुँचते पहुँचते चीज का चिड्डा हो गया। हाँ चीज का चिड्डा हो गया होगा, पिज्जा का हालत देख लेते हैं, फिर भी ठीक ही होगा। देख के तो अच्छा ही लग रहा है, ये खुशबू सुन के कैसे जन्नत सा फील हो रहा है, थाली खा खा के बोर हो गया था। तो यहाँ है डोमिनोज का एक पिज्जा जो कि है नॉनवेज ओवरलोडेड, और यहाँ पे है पार्सल नोटो, मतलब वो पार्सल नहीं टेक अवे, मतलब चिकन पार्सल। तो प्राची जब तक नहीं आ रही तो प्राची में देखो धोखा दिया था। ओहो आपको भी खाना है, पूरा समझ सकते हो ठीक है, लेकिन वो सॉस ओहो गर्म होता बहुत अच्छा लगता है, बहुत मस्त होता है और सस्ता भी है। इसमें अंदर कुछ नहीं है, चीज वगैरह का मैरिनेशन में सॉसेज घुसा देता है और ये वाला पार्सल बेक कर देता है। 59 का है, मस्त डोमिनोज का, तेरे बिना खा रहा डोमिनोज। तू भी तो सो धोखा दी थी, वो ब्रेड और वो नहीं खाता, मुझे नहीं मालूम उसको तकलीफ होगा बोलकर मैंने खाया था। और यहाँ पे स्पेशल वेज थाली, प्रीमियम मील थाली, चिली चिकन मतलब चाइनीज थाली, वेज है सारा, वेज है क्योंकि रेलवे में ज़्यादातर मैक्सिमम वेज भी, तो वेज खाने अच्छा होता है। ये रोटी होगा, ये एक अच्छा चीज़ है कि ओहो कितने सारे स्पून जो ज़रूरत पड़ती है, माउथ फ्रेशनेस जो है। ये है चिली पनीर, वो देखो चढ़ चढ़ के आ रहा है, वेज है गधे। ये है चिली पनीर और ये वेज फ्राइड राइस, और इसके संग केचप के एक ये थाली है, ये एक शायद प्रीमियम थाली जिसमें एक दाल आता है, एक सब्जी आता है, रसगुल्ला आता है, दो रसगुल्ला राइस और रोटी आता है, जीरा राइस बोला था, हाँ जीरा राइस टाइप का पुलाव। हाँ पुलाव तो तू ही जानती है। डोमिनोज तो पूरा ठंडा है, मैं तो नोटिस नहीं कर पा रहा फर्क क्या हुआ प्रीमियम और इसमें, इसमें पनीर है, इसका रसगुल्ला बड़ा, इसका रसगुल्ला छोटा है, बस यही है। नहीं ये वाला सब्जी अलग है, सूंघ के हट जा, चलो 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 हो गया हो गया खत्म, बच्चा बच्चा चलिए। इट हैपेंस ओनली विद पिज्जा, ठंडा अरे गजब लगेगा। ओहो हो चीज का काटा भी ढंग से नहीं है, सॉसेज, अरे बहुत सारा चिकन है, ओवरलोडेड है, मस्त है। गरम है थोड़ा सा, हां वेरी सॉफ्ट सेटिस्फेक्शन।
डोमिनोज ऐसे खाओगे गरम गरम अच्छा लगता है, बट ये ट्रेन जर्नी में भी गजब लग रहा है। ये तो सिर्फ सो रही है, खाते टाइम उठते फिर सो जाती है। खाली इसका क्या ही रिव्यू करूँ, मजबूरी में खा लो। ये तो तुम IRCTC से थोड़ी ना, यहाँ से थोड़ी ना पैंट्री। हाँ, मतलब पैंट्री से नहीं मंगाया, IRCTC का ऐप से मंगाया हूँ मैं। ये तंदूरी रोटी है शायद, पता नहीं। पराठा है? पराठा नहीं, रोटी है। हाँ। बटर रोटी बोला था, बटर प्राची खा रही है चाइनीज का। कितने का है चाइनीज थाली? 300। और तेरा थाली नहीं तो? तो हम लोगों का पैंट्री वाला सस्ता है, 170 है। ये भी 150 के आसपास का। मेरे टोटल में 3 थाली पड़ा है, 630 रुपए। अच्छा तब तो ठीक है, मतलब मेरे 200 भी पकड़ने तो चलेगा। तेरे में क्या क्या है? पनीर बटर मसाला है, और ये दाल है, जीरा राइस है। दाल जो है पूरा गर्जर है, खाना खा के फ्रेश कर गया। पैंट्री वाला दाल देख, ये रहा मेरा वाला, मेरा वाला दाल देख, तड़का वाला। तड़का नहीं, दाल फ्राई होता है ना। अच्छा, तू इंडियन नहीं खाएगी? तो लास्ट हम लोग बचा था ये माउथ फ्रेशनर, तो खाते खाते हमारा हो चुका है वीडियो भी खत्म, खाना भी खत्म। देख लो ट्रेन में इसका हालत छोटू, 10 दिन से कोई काम नहीं किया है, घर का बर्तन बंद है यार, ढाबा में नौकरी चला जाएगा इसका तो, ऐसे काम करेगी। पर जो भी है, सो जो भी है, आप लोग भी कमेंट करके बताओ आप लोग का फेवरेट खाना कौन सा है, ट्रेन का फेवरेट मोमेंट क्या है। हम लोग के लिए तो यही है कि पूरा जर्नी बस कट जाए और पहुँच जाए, मैं सुबह कल पहुँचूँ और मेरा टेंशन खत्म हो, और जैसे ही ये वाला वीडियो मैं भेजूँ एडिटर को एडिट करे और मैं अपलोड करूँ, और अचानक से देखो हम लोग कमेंट और लाइक्स भर दिए। ओ ये पर आचे का ट्रांसलेट कर खासी राची वही लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट भरते और सब्सक्राइब करते और छोटू की जय। जय मुगाम्बो, जय मुगाम्बो।